In this video, I'm going to show you how to make these very easy flower earrings. Things you're gonna need is yarn, cutter, crochet hook, and this crochet hook is 2.5 mm, and some earring hooks. सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट और फिर बनाएंगे हम टू चेन्स. और जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हम बनाएंगे 10 सिंगल क्रोशेस. 1 2. आप चाहें तो जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसे मार्क भी कर सकते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड दिस एट द एंड ऑफ दिस रो. 3 4. इसी तरह से इसी चेन में से हम बनाएंगे 10 सिंगल क्रोशेस. 10 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में. इस राउंड की जो हमारी पहली स्टिच थी उसमें हम इसे ज्वाइन करेंगे विद अ स्लिप स्टिच. अब हम बनाएंगे 3 चेन्स और इसे हम काउंट करेंगे एज आ फर्स्ट डबल क्रोशे और इसी स्पेस में बनाएंगे हम एक और डबल क्रोशे. जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेज इनटू द सेम स्टिच. 1 और इसी चेन में बनाएंगे हम सेकंड डबल क्रोशे. सो वी हैव 2 डबल क्रोशे इन 1 स्टिच. जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे हर स्टिच में 2 डबल क्रोशेज. ये इयररिंग्स बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि सिर्फ 3 राउंड्स में हमारे इयररिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे. ये हमारा सेकंड राउंड है और इसके बाद सिर्फ एक और राउंड बनाने के बाद हमारे फ्लावर इयररिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे. सो दिस इज़ वेरी क्विक एंड इजी. एंड दिस इज़ आर लास्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड. इसमें भी हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस. और अब इसे हम ज्वाइन करेंगे जो हमारी 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन में हम इसे ज्वाइन करेंगे विद अ स्लिप स्टिच. लाइक दिस. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर द एंड ऑफ दिस रो. अब हम अपने डबल क्रोशेज काउंट कर लेंगे एंड देयर शुड बी 20 डबल क्रोशेज. पेटल्स बनाने के लिए हम दूसरा कलर ऐड करेंगे. मैं ऐड करने वाली हूँ येलो और इसमें हम ऐड करेंगे अपना इयररिंग हुक. एक इयररिंग के लिए मैंने हुक को इस तरह से ऐड किया था और इस वाले के लिए मैं इसे इस तरह से ऐड करूँगी. इसे अपनी ऊन में डालकर अभी हम पीछे ही रखेंगे क्योंकि हम इसे एंड में यूज़ करेंगे. और सिंपल एक नॉट लगाकर अपना न्यू कलर ऐड करेंगे और इससे बुनना स्टार्ट करेंगे. अपनी नेक्स्ट कलर ऐड करने के बाद इसमें हम बनाएंगे 5 चेन्स और इस राउंड में हम बनाएंगे डबल ट्रेबल्स.
डबल क्रोशे बनाने के लिए हम ऊन को क्रोशे पे एक बार रैप करते हैं और ट्रेबल बनाने के लिए दो बार और डबल ट्रेबल के लिए तीन बार। इस तरह से तीन बार ऊन को क्रोशे पे रैप करके और इसी स्टिच में, इसी स्पेस में हम बनाएंगे एक डबल ट्रेबल। ग्रैब योर यार्न, पुल थ्रू टू एंड पुल थ्रू टू। इस तरह से हम बनाएंगे एक डबल ट्रेबल। फिर से ऊन को तीन बार रैप करेंगे अपने क्रोशे हुक पे और जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम बनाएंगे टू डबल ट्रेबल्स, वन, और फिर से ऊन को तीन बार रैप करके इसी स्टिच में हम बनाएंगे एक और डबल ट्रेबल, टू। फिर से यार्न को तीन बार रैप करेंगे और जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम बनाएंगे एक डबल ट्रेबल और डबल ट्रेबल बनाने के बाद इसमें हम बनाएंगे फाइव चेन्स जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी और अब इसे ज्वाइन करेंगे विद सिंगल क्रोशे इसी स्टिच में, जहाँ पर हमने एक डबल ट्रेबल बनाया था उसी स्टिच में हम इसे ज्वाइन करेंगे विद अ सिंगल क्रोशे। एंड हेयर आवर फर्स्ट पेटल इज़ रेडी। जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे और फिर से एक पेटल बनाएंगे। फिर से चेन फाइव से स्टार्ट करेंगे, फाइव चेन्स, इसी स्टिच में बनाएंगे हम एक डबल ट्रेबल, नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे टू डबल ट्रेबल्स, नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल ट्रेबल, चेन फाइव, और इसे जॉइन करेंगे विद सिंगल क्रोशे इनटू द सेम स्टिच एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये हमारे फ्लावर्स की दो पेटल्स और इसी तरह से हम बाकी की पेटल्स भी बना लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे और उससे नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशे और फिर से चेन फाइव से स्टार्ट करेंगे एंड कंटिन्यू दिस। ये इयररिंग्स बनाने का आइडिया मुझे आया व्हेन आई सॉ तापसी पन्नूज इयररिंग्स व्हिच ही वोर ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ मिशन मंगल, जिसके इमेजेस आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखे होंगे एंड दे वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स विद ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन। सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई देम एंड मेक इन क्रोशे। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल एंड आई वुड लव टू सी योर क्रिएशंस विद डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल पुट देम अप ऑन माई स्टोरीज। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस राउंड और लास्ट में हमारे पास बचे हैं फोर स्टिचेस। तो इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और फिर से अपनी पेटल बनाना स्टार्ट करेंगे, चेन फाइव, मेक अ डबल ट्रेबल इनटू सेम स्टिच, और नेक्स्ट स्टिच में भी हम बनाएंगे एक डबल ट्रेबल, और अब अपने क्रोश जो हमारा इयररिंग हुक है उसे हम ऐड करेंगे। सिंपली इसको अपने हुक के पास इस तरह से लाएंगे और फिर इसी स्टिच में हमें बनाएंगे एक डबल ट्रेबल, लाइक दिस, और इस तरह से हमारा इयररिंग हुक इसमें ऐड हो जाएगा।
नाउ यार्न ओवर थ्राइस। और नेक्स्ट स्टिच में भी हम बनाएंगे एक डबल ट्रेबल, चेन 5 एंड जॉइन इट विद अ सिंगल क्रोशे इनटू द सेम स्टिच। इसी स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और लास्ट में एक और सिंगल क्रोशे। और इसे अपनी फर्स्ट पेटल से ज्वाइन करेंगे विद अ स्लिप स्टिच। एंड नाउ यू कैन कट द यार्न एंड आवर फ्लावर इज कंप्लीट। अब हम अपने सभी थ्रेड्स को कट कर लेंगे। और जो भी हमारे टेल एंड्स हैं उन्हें हम सिक्योर करेंगे इस तरह से, अपने स्टिचेस में उन्हें हाइड करेंगे और फिर कट कर देंगे। एंड दिस इज़ हाउ आवर इयररिंग लुक्स सभी थ्रेड्स कट करने के बाद। एट द एंड मैंने ये नीडल ली है, दिस इज़ अ नॉर्मल स्विंग नीडल, और इसमें अपनी पेटल्स की मैचिंग का थ्रेड डाला है येलो, और एंड में एक नॉट लगा लिए। और जो मेरे इयररिंग हुक है इसे मैं एक प्लेस पे फिक्स करने वाली हूँ। जो मैंने इयररिंग पहले बनाया था उसमें मैंने अपना इयररिंग हुक राइट साइड फिक्स किया है, और इसमें मैं इसे लेफ्ट साइड फिक्स करने वाली हूँ। नॉर्मली जैसे हम कोई बटन या हुक ऐड करते हैं उसी तरह से इसे इसमें ऐड करेंगे, जस्ट टू सिक्योर इट टाइटली एंड फिक्स इट इन प्लेस। अगर आप इयररिंग हुक क्रोशे हुक से ऐड नहीं करना चाहते तो आप लास्ट में सिर्फ इसी तरह से सुई से इसे सी सकते हैं। दिस इज़ जस्ट व्हाट आई लाइक टू डू। और इसे अच्छे से फिक्स करने के बाद अपना थ्रेड कट कर देंगे। एंड आर क्विक एंड ईजी इयररिंग्स आर रेडी। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।